Hello everyone, this is Rabia Aslam. In this video we will solve question number 15 and 18 from exercise 2.1 chapter number 2. Question 15 is AB is divided into n equal parts by P1, P2 to PR and 2PN minus 1. If A and B are X1 and Y1 and X2 comma Y2 respectively, find the coordinates of PR. एक लाइन है हमारे पास ए एंड बी, ये P1, P2, P3 टिल PR तक ये डिवाइड की है एंड देन PN माइनस 1। ए कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास X1 कॉमा Y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है X2 कॉमा Y2। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं PR के, ठीक है। X कॉमा वाई कह देते हैं हम उनको। लेट X कॉमा वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR। इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ से लेके PR तक का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास R, एंड यहाँ से लेके हमारे पास एंड तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा N माइनस R, ठीक है, पॉइंट B तक। नाउ अप्लाइंग रेशो थ्योरम, X इज इक्वल्स टू M1X2 प्लस M2X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड Y इज इक्वल्स टू M1Y2 प्लस M2Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हेयर X1 इज इक्वल्स टू X1, Y1 इज इक्वल्स टू Y1, X2 इज इक्वल्स टू X2 एंड Y2 इज इक्वल्स टू Y2। M1 इज इक्वल्स टू R एंड M2 इज N माइनस R। X इज इक्वल्स टू M1 इज R इंटू X2 माइनस N माइनस R इंटू X1 डिवाइडेड बाय R प्लस N माइनस R। सिमिलरली यहाँ पे Y इज इक्वल्स टू R इंटू Y2 प्लस N माइनस R इंटू Y1 डिवाइडेड बाय R प्लस N माइनस R। Rx2 माइनस मल्टीप्लाई कर दें Nx1 माइनस Rx1 डिवाइडेड बाय R's और ये R कैंसिल N एंड Y इज इक्वल्स टू Ry2 प्लस Ny1 माइनस Ry1 डिवाइडेड बाय N। तो हमारे पास X कॉमा वाई आ गए हमारे पास Rx2 माइनस, चाहे तो आप इसमें से X1 वापस से ही कॉमन निकाल कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई ना करते, या आप इसको Rx1 डिवाइडेड बाय N कॉमा Ry2 प्लस Ny1 माइनस Ry1 डिवाइडेड बाय N आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स एक ही लाइन के अंदर लाई करेंगे ये लोग, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 3.4 एंड 7.7 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। एक लाइन है, पॉइंट ए इज 3.4
पॉइंट बी इज 7.7 एंड पॉइंट सी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, लेट से एक्स कॉमा वाई। ए सी की लेंथ दी हुई है डैट इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। लेट एक्स कॉमा वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एम वन एम टू फाइंड आउट कर लें, देन हम पॉइंट सी फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग रेशो थ्योरम फॉर्मूला। हम ए टू बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फॉर ए बी। डी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। हेयर एक्स वन इज 3, वाई वन इज 4, एक्स टू इज 7 एंड वाई टू इज 7। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 7 माइनस 3 इज 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 25 एंड ए बी की वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। नाउ अप्लाइंग रेशो थ्योरम। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन वाला। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू। वाई इज इक्वल्स टू एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू। हेयर एक्स वन इज इक्वल्स टू 3, वाई वन इक्वल्स टू 4, एक्स टू इज 7, वाई टू इज 7। एक्स इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है एंड वाई फाइंड आउट करना है। एम वन इज इक्वल्स टू 10 एंड एम टू इज 5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10 टाइम्स 7 माइनस 5 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू 10 माइनस 5। वाई इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई टू की वैल्यू इज 7 माइनस 5 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5। 70 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 एंड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। Therefore x कॉमा y इज 11 कॉमा 10।